क्या धरती पर इंसानों में देवीय शक्ति होती है? क्या कोई भी इंसान किसी दूसरे के जीवन से जुड़ी तकलीफों को दूर कर सकता है? या सभी दिखावे और अंधविश्वास होते हैं? जी हाँ, आजकल ये सवाल आप सभी के मन में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जरूर आते होंगे, क्योंकि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या को खुद ब खुद जान जाते हैं, उससे लोगों के मन में ये संशय जरूर होता होगा कि हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री उनसे पहले मिल लेते होंगे, उनकी बातें पूछ लेते होंगे और बाद में कैमरे पर आके या अपने मन से उसके बारे में बताते होंगे। इतना तो ठीक है, लेकिन जो समस्या उन्हें पता चलती है, जिस समस्या के बारे में आप उनसे पूछना चाहते हैं, उन समस्या का निराकरण की बात भी वो कह देते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि जाओ 40% समाधान हो गया, कृपा बनी रहेगी, बागेश्वर धाम में पेशी कर दो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा है, कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें जादू टोना टोटका के जरिए भूत प्रेत के चक्कर को भी ठीक किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इन्हीं सवालों को लेकर बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब पर टॉप में बने हुए है और सोशल मीडिया सहित तमाम सेटेलाइट चैनल पर उनकी ही चर्चाएं हो रही है। तो इस वीडियो में हम एक खुलासा करने वाले हैं कि आखिर बागेश्वर धाम कैसे बना और धीरेन्द्र शास्त्री इतने पॉपुलर कैसे हो गए। वर्तमान समय में अगर बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री के हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोवर्स हैं। यहाँ तक कि कई बड़े नेता अभिनेता भी बाबा के सामने सिर झुकाकर खड़े नजर आते हैं। और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई बड़े संतों और नेता ने बाबा के समर्थन में बातें कही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार कैसे प्रसिद्ध हुआ और कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देश भर में अब जाना जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप भगवान बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नाम के छोटे से कस्बे से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्या को खुद ब खुद जान लेते हैं और उन्हें मंत्राचार के जरिए उन उपायों को करने के लिए बताते हैं, जिसके जरिए वे अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। और यही कारण है कि बाबा के करोड़ों भक्त हैं। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े खुलासे को हम बताएंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो। So in the starting of the show, we asked you to put your phone. Is it locked? Think of your passcode. Look at the audience. Think of your passcode. Yeah. Code. इस वीडियो में दिख रही ये लड़की कोई साध्वी नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई चमत्कार है, लेकिन फिर भी ये लोगों के मन की बात को उसी तरह जान जाती है जिस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। साधारण सी दिखने वाली इस लड़की का नाम सुहानी शाह है। ये एक फेमस मेंटलिस्ट है जो आपको देखने के बाद आपके मन में चल रही बातों को उसी तरह बता देती है जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। किसी के फोन का लॉक जान लेना, किसी के मन की बात को जान लेना, किसी की परेशानी को जान लेना, कोई क्या सोच रहा है इसको जान लेना इस लड़की की खासियत है। इस लड़की का कहना है कि इस काम को करने के लिए उसके पास कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सब एक टेक्निक के जरिए होता है। लेकिन इससे परे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि यह सब ऐश्वरिक शक्ति के जरिए हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन बातों को सही नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल बाबा के दरबार में अब भी लाखों लोगों की भीड़ लगती है और कई बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के कैमरे के सामने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि मीडिया वाले जिस किसी को भी मेरे सामने लाएंगे, मैं उनके मन की बात, उनके मन के प्रश्न और उनके विचारों के बारे में खुलकर यहां बताऊंगा। और इसको उन्होंने साबित करके भी दिखाया है। अब आप
पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी? मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। बहरहाल आप क्या इन शक्तियों को मानते हैं या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए मोबाइल न्यूज़ 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें।